हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड एट कोर्ट में। आज हमने आपके लेके आए हैं बेसन के लड्डू, जो काफ़ी आसान है और इसे हमने सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में हम 1 कप बेसन को लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। बेसन को हल्का ब्राउन या कलर चेंज होने तक चलाते जाएंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, हम गैस को ऑफ करके इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें आपको कुछ लम्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्हें हम छान लेंगे। अब हम पैन में 1 कप घी लेंगे। और घी को मेल्ट होने के बाद में 3 कप बेसन डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूस चलाते जाएंगे। जब तक बेसन का कलर चेंज होकर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कलर चेंज होते ही इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब गैस को ऑफ करें और ठंडा होने के लिए हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। ध्यान रखें कि ठंडा होने के लिए हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है। ठंडा हो जाने के बाद बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बैटर में हम ड्राई बेसन मिलाएंगे। इसे हमने पहले ही छान लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब पाउडर शुगर को ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। इसी तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। इसे आप ड्राई फ्रूट्स के साथ में गार्निशिंग करें। सो हमारे बेसन के लड्डू रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।